आईपीएल में जब हार्दिक पांड्या ने विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए थे, जब विरोधी टीम कांप उठी थी, ये सिद्ध करता है कि दुनिया में उनसे बड़ा हिटर शायद ही कोई हो। साल 2015 से मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल खेलते आ रहे हैं पांड्या। कई मौकों पर अपने बैट और बॉल से शानदार खेल दिखाया, लेकिन आईपीएल 12 में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए मुकाबले में अगर बात करें तो इस मैच में कोलकाता की टीम ने शुभमन गिल और आंद्रे रसल की तूफानी पारी के दम पर मुंबई इंडियंस के सामने 20 ओवर में 233 रनों का बेमुश्किल सा लक्ष्य रखा था। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम इस बड़े टारगेट के बोझ तले दबती नजर आई। एक समय था कि मुंबई की टीम 8.4 ओवर में 54 रनों पर ही 4 विकेट गिरा चुकी थी। मुंबई पूरी तरह से मैच से बाहर दिख रही थी, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपने बल्ले से जो आतिशी पारी खेली उसे देखकर विरोधी हैरान रह गए। हार्दिक पांड्या ने 34 गेंदों में 6 चौके और 9 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 91 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। ये पारी हार्दिक पांड्या के आईपीएल करियर की बेस्ट पारी रही और मुंबई को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की। इस दौरान हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट 267 रनों का रहा। पांड्या 9 रनों से अपना शतक चूक गए और 18वें ओवर में आउट हो गए। मुंबई की टीम इस मुकाबले को सिर्फ 34 रनों से चूकी है। आप समझिए कि इतने बड़े लक्ष्य के पास पहुंची अगर शुरुआती बल्लेबाज कुछ अच्छा करते तो शायद मुंबई की टीम जीत जाती। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।